जाना था यार, कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये देख नया नया गेम पार्लर खुला, चल देख ले कोई भी गेम और हो जाते हैं शुरू। अरे देख 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 देख, ये वाला फ्री, आ जा इधर आ जा। जी ये भी तो खाली है। अरे पर ये अच्छा है यार। अरे नहीं ना, वो ज्यादा अच्छा, उसमें क्या बोल रहा है। अरे सुन ना मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन। ये देख इस गेम का थ्रिल देख, इसका एक्शन देख यार। अगर तू एक बहुत बड़ा गेमर है तेरे को ये खेलना चाहिए। सुन ना माधवन, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे को नहीं लगता ये गेम बहुत ज्यादा डरावना है? वो खेलता हूँ ना। एक काम कर, तू घर जा और सांप सीढ़ी खेल। ओ हेलो, तुझे क्या लगा मैं डर गया? मजाक कर रहा हूँ, कॉइन लेकर आ, मैं यही गेम खेलूंगा। मजाक कर रहा, चल आ जा, लेकर आ, लेकर लेकर आ रहा हूँ, देखते लेकर आ कॉइन। हेलो हेलो, शॉट ना? अरे शॉट ना, डाल डाल कॉइन डाल, ये ले बेटा खेल। चल मैं उधर ही हूँ, ठीक है मैं वाला खेल रहा हूँ। यार आ रहा, मजा आ रहा है? भगवान क्या हो गया मेरे गेम पार्लर में? ये तुम्हारा गेम? गेम? गेम में ऐसा क्या है? इस गेम ने मारा मेरे दोस्त को। ओ माय गॉड, क्या हुआ जी? मर गए? मैं तो गया काम से। क्यों, प्यार हो गया क्या? अरे नहीं यार, प्यार नहीं, कल रात मैंने गाजर का हलवा खा लिया यार। हाँ तो मर कैसे गए? अरे देखो क्या लिखा क्या है। क्या? इंडिया में हर रोज 1,00,000 लोगों को डायबिटीज हो रही है। अरे बाप रे यार, मैंने भी मिठाई खाई थी। हाँ अब... अरे कुछ करो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, कोई दवा वगैरह लो यार। ये देखो, डायबिटीज होने की वजह से हर रोज 50,000 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। माय गॉड दया यार, ये मैंने ये हलवा क्यों खाया यार? मिठाई? ये मिठाई फेडरिक्स? ये मुझे पता नहीं था सर। क्या किया तुमने ये? मिठाई? आपने मिठाई खाई? माय गॉड, ये क्या किया आपने? ये नहीं, मुस्कान नहीं, हाथ 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 मत लगा इसको। 1,00,000 लोग रोज डायबिटीज से मर रहे हैं। क्या हुआ, ये ऐसे रोती सूरत क्यों बना के रखी है? सर मैंने गलती से मिठाई खा ली। क्या? हे भगवान, अरे क्या किया तुमने? किसने मिठाई खाई? पहले हाथ धो के आओ जल्दी। जाओ एक इधर आओ, वो बॉक्स रखो इधर, और जल्दी हाथ धो के आओ। अच्छे से धोना। गया क्या? कैसी है? टेस्ट नहीं किया सर अभी। तो फिर करो ना। इसे भी प्रद्युमन या क्या? अरे ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं जल्दी। हाँ सर, मैंने कहा ना, वो अचानक से चिल्लाया माधवन माधवन, और उसका हाथ छाती पे था। और हाँ सर, वो इस गेम की तरफ इशारा कर रहा था। सर उसकी मौत इस गेम की वजह से हुई है। सर इस गेम ने मारा उसे। अच्छा, मतलब इस गेम ने तुम्हारे दोस्त की जान ली है, जैसे इस मशीन में से किसी भूत ने हाथ निकाला और तुम्हारे दोस्त का गला दबा दिया। सर सर, ये आदमी खामखा मेरे गेम पार्लर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कोई घाव नहीं है। हाँ, कहीं से खून वून भी नहीं निकला। फिर मौत हुई कैसे? आंखें देखे।
सर इसकी आंखों को देखकर लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस गेम में वाकई कुछ तो है सर। फिर भी किसी आदमी की मौत गेम खेलने से कैसे हो सकती है? सर शायद इसे करंट लग गया। क्या? जरा देखो मशीन में कोई करंट वगैरह है। नहीं सर, मशीन एकदम ठीक ठाक है, कोई करंट वर्ट नहीं। राघव इलेक्ट्रिक शॉक से भी नहीं मरा है। एक काम करो सर, मशीन को ब्यूरो लेके चलो। मुस्कान अब ये गेम खेलना शुरू करो। पहले क्या करते हैं? सर इसमें कॉइन डालना होगा और फिर ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। हाँ लेकिन कॉइन डालने से पहले अपनी ग्लव्स पहनो। द किलर, इंटरेस्टिंग नेम। स्टार्ट करो। गेम जीतने के लिए इस आदमी को मारना जरूरी है। अभिजीत याद है तुम्हें माधवन ने हमें क्या बताया था? राघव की मौत तब हुई थी जब ये गेम इस पॉइंट पर आके रुका था, इस पॉइंट पर। सर इस गेम में कितना वायलेंस है, इतना खून खराब है। सर इस मशीन में से कोई लेजर तो निकली नहीं, क्या राघव की मौत ये वायलेंस से क्यों हो गई? सर अगर किसी का दिल कमजोर होगा तो इस तरह का वायलेंस और ब्लड देखकर उसे फौरन हार्ट अटैक आ सकता है। फ्रेडरिक्स, राघव तो हर रोज ऐसे गेम खेलता था, तब तो उसे अटैक नहीं आया। सर मैंने सुना है किसी किसी गेम में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है जो आपको और हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो आदमी इसे हर रोज खेलता है उसे पता होता है। अच्छा, बच्चों को ऐसी गेम्स बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये गेम हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर क्या कोई वीडियो गेम खेलने से किसी आदमी की मौत हो सकती है? हाँ आजकल के वीडियो गेम्स बहुत ही खून खराबे से भरे हुए होते हैं और इतना वायलेंस दिमाग पे असर कर सकता है। राघव की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करती, शायद उसे कोई धक्का लगा है। खून खराबा देख के लगा धक्का? पर ये राघव तो काफी सालों से वीडियो गेम खेलता आ रहा था। एक बात और हो सकती है। क्या बात हो सकती? देजाओ। देजाओ? हाँ ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। जब इंसान कुछ देखता है तो उसे ये लगता है कि उसके साथ पहले भी ये हो चुका है। मतलब राघव जब ये वीडियो गेम खेल रहा था तो उस गेम में उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसे लगा कि उसने ये पहले भी कभी देखा है। मतलब कुछ ऐसा समझा कि वीडियो गेम में राघव ने कुछ ऐसा शॉकिंग देखा कि उसका दिल धक से रह गया कि हे भगवान ये मैंने फिर से क्या देख लिया, और ये देख के उसे अटैक आया और वो मर गया। एक काम करते हैं राघव के घर चलते हैं। शर्मिला जी देखिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शर्मिला जी क्या आप बता सकती हैं राघव को कोई बीमारी थी? मेरा मतलब है हार्ट प्रॉब्लम जैसी कुछ? नहीं उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। आपके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्या हार्ट अटैक? जी हाँ। लेकिन हार्ट अटैक अचानक कैसे? क्या राघव के बारे में आप कुछ ऐसी बात जानती हो जो आप हमें बता सकती हैं? मेरा मतलब है कोई अजीब सी बात। अजीब बात? हाँ मतलब बिहेवियर में या हाँ, एक बात है। बताइए प्लीज। एक्चुअली 3 दिन पहले राघव हमारे लोनावला फार्म हाउस से वापस लौटे थे और जब से वो वापस आए थे तब से कुछ कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। शर्मिला 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 इस स्लैब में तो पानी की जगह खून निकला। क्या खून? हाँ
तुम डर गई ना? मतलब? मतलब ये कि मैं मजाक कर रहा था। पर शायद वो मजाक नहीं था, वो कुछ और ही था। राघव आपके लोनावला के फार्म हाउस पर अकेले गए थे या? उनके साथ तीन लोग और भी गए थे। तीन लोग? शर्मिला जी, क्या आप हमें आपका लोनावला का फार्म हाउस दिखा सकती है जहां राघव गया था? लाइट को क्या हो गया? कमाल हो गई, हमारे आते ही लाइट भी गायब हो गई। चलो देखते हैं, टॉर्चेस लेके आओ। एक अभिजीत, लगता है ये बंगला मैंने कहीं देखा है। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये वही बंगला है जो उस वीडियो गेम में था। यस, उस वीडियो गेम में ये बंगला है। लेकिन वो गेम तो जापान में बना हुआ है और ये बंगला तो इंडिया में, ये कैसे हो सकता है? ये कौन से गेम की बात कर रहे हैं आप लोग? उस गेम का नाम द किलर है। द किलर? जी हाँ, आपके पति की मौत का राज इस गेम में ही कहीं छुपा हुआ है। गेम में? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? जी हाँ, उस गेम की वजह से ही आपके पति की मौत, और इस गेम में बिल्कुल ऐसा ही बंगला है जैसा कि ये। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। सर जरा इधर आइए। हाँ अभिजीत सर, बिल्कुल वैसा ही कॉरिडोर जैसा गेम में। और उस गेम में पहले एक आदमी कॉरिडोर के साइड वाले कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आता है, सर ये रहा दरवाजा। और उस गेम में उसी वक्त यहाँ पे खून हुआ था, यहाँ पे तो कोई लाश नहीं है। ये क्या है, यहाँ कुछ गिरा हुआ है? खून ही है। ऐसा लगता है यहां से कोई लाश घसीट के बाहर ले जाएगी। ये क्या, खून के निशान वहां तक जा रहे? चलो देखते हैं। ये कहां जा रहा है? अभी इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले इसमें जरूर कुछ ना कुछ रखा गया था जो यहां से फिर ले जाया गया। कहां ले गया होगा? खून के निशान तो यहां पर खत्म हो गए, और कहां हो सकते? अभी जी तो वो देख, हाँ कुछ खुदा हुआ दिखता है। चलो देखते हैं। संभल गया अभिजीत, इतनी बुरी तरह से कुचला है इस आदमी का चेहरा, पहचानना भी मुश्किल होगा। सर, आई एम श्योर राघव ने ही इस आदमी का खून किया। अगर उसने खुद ने नहीं किया है तो किसी और से करवाया है, पर इस खून में राघव का ही हाथ है। सर इस राघव का बैड लक देखो, वो वहाँ पार्लर में गेम खेलने गया था,
और जिस मशीन में उसने गेम खेला उसी मशीन में कुछ ऐसा गेम था जिसमें एक खून हो रहा है। वो खून एकदम वैसा ही जैसे बंगले में हुआ है। सेस राघव ने खून बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे गेम में दिखाया गया है। तभी तो हार्ट अटैक आया उसे, हवा निकल गई होगी उसकी वो सब देखकर। और बोला होगा उसने कि किसी और को कैसे पता चला मैंने इस तरह से खून किया है। सर, ये तीनों कौन है? सर, ये वही लोग हैं जो राघव के साथ लोनावला गए थे। ये है राघव के दोस्त, एक दो तीन। शर्मिला जी बता रही थी कि तुम तीनों राघव के साथ लोनावला गए थे उसके बंगले में। जी हाँ, हम तीनों गए थे लोनावला राघव के साथ। तो मगर तुम तीनों तो जिंदा हो? ऑफ कोर्स जिंदा है, तभी तो यहाँ आप लोगों के सामने खड़े। अगर तुम तीनों जिंदा हो तो फिर ये कौन है? ये क्या है? ये लाश है, लाश जो हमें राघव के बंगले में से मिली। लाश राघव के बंगले से? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है ये चौथा आदमी? कौन है ये? सर हमारा विश्वास कीजिए, हमें सचमुच नहीं मालूम ये कौन है। अच्छा, इस आदमी का तब खून हुआ है जब तुम तीनों भी राघव के बंगले में थे, समझे? हैं? तुमने तो खून होते हुए देखा नहीं हो? खून होते हुए? नो सर। अबे ड्रामा बंद करो और चुपचाप चोंच खोलो, चलो। सर हम लोगों की चोंच तो कब से खुली हुई है देखिए सर। तो कुछ बोलते क्यों नहीं? कब गए थे लोनावला राघव के साथ, बोलो। सर वो हाँ सर, 21 तारीख की रात को सर। लेकिन सर मैं दूसरे दिन सुबह अपने ऑफिस की मीटिंग से पूना चला गया था सर। आप चाहे तो पूना में मैं जिस होटल में रुका था आप उसकी रिसीप्ट भी देख सकते हैं सर। कहाँ गए? ये सर। तुम पूना गए? तुम क्या नाम है तुम्हारा? जी नमित। नमित, तुम्हारी क्या कहानी है? दर्द भरी ही होगी, क्यों? जी देखिए, मैं भी अगली दोपहर मुंबई के लिए रवाना हो गया था। बम्बई गया था, क्यों? एक्चुअली मेरी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसी को देखने गया था। अरे आप चाहें तो सिटी हॉस्पिटल में फोन करके पूछ लीजिए ना। तुम्हारा क्या नाम है? सर मैं जुगल। जुगल, तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? मैं सर बाजार गया था और उस रात में रात को देर से घर लौटा था सर। दया, ये तो बाजार गया था बेचारा, तब तो तुम्हारे पास सबूत भी नहीं होगा कि तुम बाजार में थे या बंगले में, है ना? सर। दया, तीनों को भी ब्यूरो ले चलो, चलिए। सर अरे उस तो फिर ये चौथा आदमी कौन है जिसका खून हुआ है? यस डॉक्टर नायला। व्हाट? ये बात सच है कि राघव को उस गेम की वजह से ही हार्ट अटैक आया, लेकिन मुझे उसके पेट में से ये मिला। ये जो लाल कलर का निशान है, जहर है। हाँ। इसका मतलब है सर राघव का खून हुआ है। तो फिर डॉक्टर नायला, राघव की मौत जहर की वजह से हुई है या हार्ट अटैक की वजह से? राघव को यह जहर हार्ट अटैक आने से कुछ देर पहले ही दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि जहर अपना असर दिखाता राघव को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। पर सर अगर हार्ट अटैक आने से पहले जहर दिया गया है तो इसका मतलब जहर वहाँ वीडियो गेम पार्लर में दिया गया। हाँ? ये जहर क्रीम जैसा था। क्रीम जैसा? हाँ, उसके होठों के अंदर भी लगा हुआ था। होठों के अंदर भी? एक बार उस मशीन को स्कैन कर लेते, शायद पता चल जाएगा कि जहर कहाँ लगा हुआ था। ये देखिए। हाँ, इस मशीन के जॉयस्टिक पर कुछ दिख रहा है। जी,
क्रीम मशीन के जॉयस्टिक पर लगा है। जॉयस्टिक पर लगा हुआ है। मुस्कान, अच्छा हुआ तुमने उस वक्त ग्लव्स पहने थे, बच गई तुम। काम करो, वो ग्लव्स जला डालो, समझे? और उस माधवन को ब्यूरो में लेके आओ। पता नहीं आप लोग क्यों मुझे बार बार पकड़ के ला रहे हैं। मैंने तो सब कुछ बता दिया था। सब कुछ नहीं बताया तुमने। आइए आइए माधवन जी, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। पर सर, जो जो हुआ था मैंने तो सब बताया था ना। नहीं, वो जहर वाली बात नहीं बताई थी तुमने। जहर? हाँ। ये जहर कहाँ से आ गया बीच में? राघव के पेट में से मिला है। सर ये क्या कह रहे आप? राघव तो हार्ट अटैक से मरा था ना? हाँ, तुम्हें मालूम था लोगों को यही लगेगा कि वो हार्ट अटैक से मरा है। पता ही नहीं चलेगा कि उसे जहर दिया गया है। गेम पार्लर में ले जाके मार दिया उसे। और तुम राघव के इतने अच्छे दोस्त थे कि उसकी हर आदत को अच्छी तरह से जानते थे। तुम्हें मालूम था कि राघव बार बार बिना सोचे समझे मुंह में उंगली डालता रहता है। हा? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप कहना चाहते हैं कि राघव को जहर मैंने दिया? तो राघव को उस वीडियो गेम पार्लर में लेकर कौन गया था? लेकर तो मैं ही गया था, पर इसका तो जहर किसने दिया उसे? सर देखिए, राघव को अलग अलग गेम्स खेलने का शौक था। अब उस दिन वो किसी बात को लेकर परेशान था, तो उसका मूड ठीक करने के लिए वहां लेकर गया था बस। जिस मशीन पे जहर लगा हुआ था उसी मशीन पे खेलने के लिए तुम ही ने बोला था ना राघव को? सर क्या बताऊं, सर क्या बताऊं, पता नहीं क्यों बोला मैंने वो गेम खेलने के लिए उसको। सीआईडी, बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। बुरी खबर? हाँ। मतलब? मतलब ये कि जिस मशीन पर राघव गेम खेल रहा था उस मशीन की जॉयस्टिक पर जहर लगा हुआ था। जहर? हाँ जहर। जी हाँ, और हमें शक है वो जहर आपके ही किसी आदमी ने लगाया है, या फिर आप? मैंने? सर हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने कस्टमर को क्यों मारना चाहेंगे? आप जरा अपने सारे अटेंडेंट्स को यहाँ बुलाइए जल्दी। राजू, भोला, अमृत, सुरेश। जी सर, क्या बात है? आप में से ये वाला मशीन कौन संभालता है? सर ये मशीन तो अमृत देखता है सर। अमृत? ये अमृत कहाँ? वो तो आज आया नहीं साहब। क्या आया नहीं? आप जल्दी से उसका एड्रेस दीजिए हमें जल्दी। जी कहिए। अमृत घर में है। अमृत कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अमृत घर में नहीं है। देखिए हमें मालूम है कि अमृत घर में ही है। वे मस्का, देखो जरा। क्या किया है मेरे बेटे ने? आपके बेटे के हाथ लाल है, खून से रंगे हैं, किसी का खून किया उसने। मेरा बेटा और खून, वो ऐसा नहीं कर सकता। सो नहीं। सो इधर भी नहीं है। देखिए अच्छा होगा आप बता दीजिए कि अमृत कहाँ? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ होगा। उसकी कोई फोटोग्राफ दीजिए। हाँ माँ। बेटा सीआईडी वाले आए थे, खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ कर रहे थे। तो वो जिंदा है सर। हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी। एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो, हाँ डॉक्टर नैने। हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। हमने उस बेनाम आदमी का सिर इस बॉयलर में रखा हुआ है। बॉयलर की गर्मी की वजह से उसकी बची हुई चर्बी निकल जाएगी और फिर हमें मिलेगा उसका साफ सुथरा स्कल, जिसके सहारे हम उस आदमी का नया चेहरा बना सकते हैं। I guess that's it.
अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आदमी दिखता कैसे था। बनाओ उसका चेहरा। जी सर। ये देखिए इस चेहरे पे जो पॉइंट्स बने हैं उन पॉइंट्स से ये पता चलता है कि एक आदमी के चेहरे पर कहाँ कितना मास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 15 mm, यहाँ 10 mm और यहाँ 3 mm। अब इन पॉइंट्स को देखकर हम ये चेहरा बनाएंगे। दिखता था वो। शर्मिला जी आप लोग, शर्मिला जी हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कहिए। अकेले में प्लीज। यतिन तुम अंदर जाओ। बोलिए। शर्मिला जी क्या आपको पता है जो लाश हमें राघव के लोनावला वाले बंगले में मिली है वो किसकी है? किसकी है? ये वो आदमी। आप इस आदमी को पहचान सकती हैं? ये जरा कोशिश कीजिए। आप लोग एक मिनट रुकिए। ठीक है मैं कुछ लेकर आती हूँ। विकास जैसा ही दिखता है, लेकिन लेकिन विकास को कोई क्यों मारेगा? विकास? विकास कौन? विकास हमारा फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड? बाय द वे ये विकास करता क्या था? वो एक फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर? विकास फोटोग्राफर था? शर्मिला जी हम राघव का रूम चेक करना चाहते हैं। नेगेटिव्स में देख सर, इस नेगेटिव का पॉजिटिव बनाओ, फोटो बनाओ। फोटो के सामने आते ही केस की तस्वीर ही बदल जाएगी। अभिजीत मुझे लगता है ये दोनों खून इन नेगेटिव्स की वजह से ही हुए। ये सारा राज इन नेगेटिव्स में ही छुपा है। सर मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। एक बार ये प्रिंट्स निकल जाए तो देख रहा हूं मैं। राघव, राघव, ये राघव के साथ कौन है? अभी पता चल जाएगा सर। सर ये तो कोई लड़की है। फोटो देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़की से कोई अफेयर था। विकास एक फोटोग्राफर था शायद।
राघव उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा, शायद इसीलिए राघव ने उसे लोनावाला बुलाया, नेगेटिवली फिर इसका खून कर दिया। मगर अभिजीत, राघव के पेट में जहर मिला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहर राघव को इस लड़की ने ही खिलाया? कौन हो सकती है ये लड़की? मुझे नहीं मालूम। मेहुल? नहीं सर। नहीं तो फिर जुगल? क्यों सर? अरे ये तो कमाल हो गई अभी, इन तीनों में से कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है। सर एक मिनट, नमित 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 नमित, जरा ध्यान से देखो इस फोटो, तुम शायद जानते हो। मैंने कहा ना, नहीं जानता। देखो पहचानने की कोशिश करो, तुम जानते हो। देखिए मैं आपको हजार बार बोल चुका हूं, मैं इसे नहीं जानता, आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ओ हो, नहीं जानते सर? अरे तो फिर ठीक है ना, नहीं जानता है, चल ठीक है। मुस्कान, किसे तो जानते हो, ये तुम्हारी पत्नी है ना? ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती, मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं दे सकती, नहीं है ये मेरी बीवी। मगर धोखा दिया ना, और तुमने जाकर राघव को मार दिया। क्या कह, एसीबी साहब मैंने राघव को नहीं मारा। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? देखिए देखिए सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राघव को नहीं मारा, मेरा बस चाहता तो मैं उसे मार देता, लेकिन एसीबी साहब मैंने राघव का खून नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर अभिजीत इसकी बीवी झूठ बोल रही है? क्या मतलब है आपका? तुमने कहा था उस दिन लोनावाला से निकलने के बाद तुम अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल में गए, तो तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में पहुंचे ही नहीं, कहां गए थे तुम? ये सर बात यह है कि कहां गए थे तुम? मैं राघव के घर गया, खून करने गया जरूर था पर कर नहीं पाया, घर की सारी लाइट्स ऑन थी, अचानक मुझे एक चीख सुनाई। किसकी चीख? मुझे लगा जैसे राघव चिल्लाया हो, मैंने अंदर जाकर देखने की कोशिश की, तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। फिर क्या हो? थोड़ी देर के बाद जब लाइट वापस आई तो वहां सब कुछ शांत था, राघव भी तब तक बिल्कुल ठीक था सर। तब तक राघव ठीक था? हेलो एसीबी प्रद्युमनिया, हाँ डॉक्टर साहब, अमृत को होश आ गया? देखो अमृत, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी सजा कम करने की कोशिश करेंगे, और इस काम में मैं खुद खास ध्यान दूंगा। मुझे जो कुछ भी मालूम है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तो अब बताओ, उस दिन गेम पार्लर में क्या हुआ? उस दिन एक आदमी मुझे एक क्रीम का डब्बा दिया और कहा कि ये क्रीम किलर गेम जिस मशीन में है उसकी जॉयस्टिक में लगा दे। क्या तुम्हें मालूम था उस क्रीम के अंदर जहर है? नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो आदमी कैसा दिखता था? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाया था। चेहरा कैसे नहीं देखा है? उस आदमी ने तुम्हें क्रीम दी थी ना, चेहरा कैसे नहीं देखा? साहब वो आदमी गाड़ी के अंदर ही था, उसने उसने वो डब्बा मुझे गाड़ी के अंदर से ही पकड़ाया था। हाथ तो देखा होगा तुमने उसका, हाथ तो पहचान सकते हो, कुछ अंगूठी वगैरह? हाँ साहब, शायद
शायद मैं उसका हाथ पहचान सकता हूं। विवेक भेजो एक एक को। चलो अपने हाथ दिखो, दिखाओ हाथ, देखो हमें ध्यान से देखो। पलटवार नहीं सर, तुम जा सकते हो। विवेक चलो जल्दी आओ, जल्दी चलो अपने हाथ दिखाओ। ध्यान से देखो। चलो अपने हाथ दिखाओ इसे। नहीं सर, ये भी नहीं सर। नहीं, तुम जा सकते। अब तो सिर्फ ये माधवन बचा है, यही होगा सर। माधवन, माधवन माधवन अपने हाथ दिखाओ। ध्यान से देखो। क्या हुआ? नहीं सर, ये भी नहीं। ठीक है तुम जाओ। तो फिर कौन हो सकता है? क्या तुम्हें ठीक से याद है? हाँ साहब, मुझे ठीक से याद है। इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जाए खाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। आप फट कहिए, क्या काम है? कौन है आप लोग? बालिके, हम वो हैं जिसका तुम्हें इंतजार था। मुझे? मुझे किसी का इंतजार नहीं है। आई तब तो हम व्यर्थ आ गए। चलो शिष्य चले, लेकिन जब आ ही गए हैं तो कार्य संपन्न नहीं कर देते हैं। अरे लेकिन ये आप अंदर कहां घुसे चले जा रहे हैं? बाहर निकलिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। मचाइए, परंतु हम आपके दोस्त यतिन से मिलकर ही जाएंगे। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। हाँ हाँ, भाई 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 यतिन, भाई कहाँ हो भाई? भाई यतिन, शर्मिला कौन है? दिव्य चेहरा। बालक सर अपने हाथ दिखा, हाथ दिखा, छोड़िए। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हाथ दिखा। अरे हाथ छोड़िए उसका। देख, देख। हाँ, यही है वो। यही है। सत्यानाश हो गया। बालक, तेरे हाथों की रेखाएं बता रही है कि तेरा आने वाला वक्त बड़ा ही खराब है। मैं रेखाओं में विश्वास नहीं करता। हाथ बता रहे हैं, तू गया काम से। आइए 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 आइए। ये किसे बुला रहे हैं आप लोग? किसे बुला रहे हैं आप? बजाने वाले महाप्रभु को, जो आके तुम्हें सब समझा देंगे। आइए महाप्रभु प्रद्युमन, आइए। आप लोग? हाँ हम लोग। तो ये तो हमारे महाज्योतिषी हैं। इन्होंने बहुत केसेस सॉल्व किए हैं हमारे लिए। तुम्हारे पति के खूनी को ढूंढने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। यतिन? हाँ यतिन। क्यों यतिन, इसे पहचानते हो? अमृत, जिसे तुमने क्रीम का डब्बा दिया था। मैं किसी अमृत अमृत को नहीं जानता, और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ भाग कर रहे? सच सच बोल, बोल। शर्मिला, मैंने तुम्हारे पति का खून किया है। राघव तुम्हें धोखा दे रहा था।
उसका नमित की वाइफ के साथ अफेयर था और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे ही भाई होकर, मेरे भाई होकर भी तुमने मुझे मुझे बर्बाद कर दिया। शर्मिला, जिनको तुमने अपना समझा, तुम्हारे पीठ में चुरा, उन्होंने ही खोपा। अब जिंदगी भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।